अन्तत आज दार्जीलिङ नगरपालिकाको नयाँ बोर्ड गठन गरिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। 18 वटा सीट जितेर अजय एडवर्ड्सको हाम्रो पार्टीले बोर्ड गठन गर्न सक्षम बन्यो भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 9 वटा आसनमा विजय हासिल गर्दै दार्जीलिङ नगरपालिकाको बोर्डमा प्रमुख विपक्षी दल बनेको छ। सबै निर्वाचित पार्षद पार्षदिकाहरूले आज दार्जीलिङ नगरपालिका कार्यालयको प्रेक्षागृहमा शपथ ग्रहण गरे भने दार्जीलिङ नगरपालिका नयाँ अध्यक्ष हाम्रो पार्टीका रितेश पोर्तेल बनेका छन् भने उपाध्यक्ष याङजी शेर्पा बनेका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि दार्जीलिङ नगरपालिका नयाँ अध्यक्ष रितेश पोर्तेलले उपस्थित पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा बताएका छन्। हाम्रो भिजन डकुमेन्टेड तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो अस्ति नै, होइन? हाम्रो जे जे भिजनहरू छ है, सो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामीले त्यो प्रायोरिटी त हामीले अहिलेसम्म हामीले थ्रु के समाज सेवा हामीले गरिराखेको थियो। अहिलेसम्म हाम्रो भिजन त क्लियर नै छ, अहिलेसम्म तपाईँले यत्रो देखिराख्नु भएको छ। कोभिडदेखि हाम्रो टिम जुन चाहिँ लगायत खटिरहेको छ, होइन? सो हाम्रो भिजन चाहिँ त्यही हो। प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जातिको मुद्दा भन्दा पनि व्यक्तिको मुद्दालाई पनि प्रायोरिटी दिने म्युनिसिपालिटी चाहिँ एउटा सानो हामी सानो एउटा जग्गा हो म्युनिसिपालिटी सेवा गर्ने। हामी 100% सेवा गर्छौँ हाम्रो टिम मिलेर। तिमी यङ्गेस्ट चेयरम्यान अब अहिलेसम्म म्युनिसिपालिटी, यसमा के भन्न चाहन्छौ तपाईँ? हजुर, यङ्गेस्ट है, अब सबैजनाको माया आशीर्वाद है, गाउँमा भोटवासी है, 6 जना थियो त्यहाँबाट जितेर म यो जग्गामा आइपुगेँ, होइन? म यसलाई एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा यसलाई म चुनौतीको हिसाबले लिन्छु है। चुनौतीको हिसाबले चाहिँ किन लिन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म क्वेसन्स पुरा हुन्छ मान्छे है, एउटा जिजस क्राइस्टलाई त नराम्रो भन्ने विश्व हो यो, होइन? म त एउटा मान्छे हो, मेरो काममा पनि के नराम्रो पर्न आउला, राम्रो पर्न आउला, त्यसलाई म एकदम राम्रो प्रकारले पोजिटिभ भाइब लिएर काम गर्छु। तपाईँहरूलाई अब मिडिया जर्नलिजम जतिजना हुन्छ, हाम्रो म्युनिसिपालिटी स्टाफ सबैजना मिलेर हामी काम गर्छौँ। हामी प्रमिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो वचन जुन चाहिँ हाम्रो मेनिफेस्टोमा छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अवश्य पुरा गर्छौँ भनेर। दाजु, तपाईँ त अब सोसियल वर्क पनि हुनुहुन्थ्यो, हजुर दाजु सिंह, होइन? हजुर। र आज अब यो चेयरमा आउनुभयो, यसमा केही डिफ्रेन्स फिल गर्नुहुँदैछ कि यो अलिक हार्ड हो र त्यो फिल सजिलो हो भनेर? होइन, त्यो फिल त झन् मलाई साह्रो थियो है, त्यो फिल त साह्रो थियो किनभने अब यता दाजुहरू त कतिजना हुनुहुन्छ, होइन? कोभिड टाइममा झन् मलाई केस पनि भएको कोभिड टाइममा, किनभने भेन्टिलेटर जब हस्पिटलमा थिएन, होइन? त्यो टाइममा हामी झगडा पर्दाखेरि दाजुहरू आएर मेरै बाइक लिनुभएको थियो। सो यो मेरो लागि नयाँ कुरा हो, तर सेवा गर्नु मेरो लागि उहिलेदेखि हाम्रो धर्म हो। हाम्रो अजय सर, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको धर्म हो, हामी त्यो धर्म अवश्य निभाउँछौँ। जो हमारा विजन है, मैं 31 साल का सिर्फ हूँ, पर अब मेरा काम 31 साल से ज़्यादा ही है ना, तो इसीलिए मेरा टीम वर्क हम लोग हमेशा एज हमारो पार्टी कलेक्टिव एफर्ट में, मेरा इंडिविजुअल में कुछ नहीं हूँ। सो ये चेयर मेरे को सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं इस पर बैठ सकूँ, पर काम सब हम टीम मिल के ही करेंगे। सो 31 ईयर्स ओल्ड इज जस्ट एन एज, सो हम काम अवश्य करेंगे, सब मिल के करेंगे। जैसे हर पार्टी ने इलेक्शन के समय बोला कि दार्जिलिंग नगर पालिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप लोग ने बहुत प्रॉब्लम देखी है, आप लोग को अपना एजेंडा भी बताए थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या किसको देंगे, फर्स्ट सब के स्टेप पे जाएंगे ना? प्रायोरिटी वाइज तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी 32 वार्ड से सभी मनुष्य का अपना अपना प्रॉब्लम है, अपना अपना गांव पे 32 वार्ड पे अपना अपना ही प्रॉब्लम है, तो सबको देख के निहाल के अब आप लोग का पार्षद है वहाँ पे, पार्षदी का है, सो सबको मिल के उन लोग का प्रॉब्लम एनालाइज करके उन लोग का जो हो सकता है उनको हिसाब से हम अपना बल अनुसार हम तो छपना क्षमता अनुसार हम उसे काम करेंगे। आप तो अजय के साथ पहले से जुड़े थे सोशल वर्क में, जिनका फाउंडेशन वो काम ज़्यादा तकलीफ वाला है कि अब ये चेयर में बैठ के तकलीफ होगा? चेयर में बैठ के देखिए ना, मेरा ये इंडिविजुअल चेयर नहीं है, मैं बोला हूँ सो 32 वार्ड जितना भी है, 14 वार्ड उन लोग का भी चेयर है, जो लोग हमारे अपोजिशन में उन लोग का भी चेयर है, हमारा 18 लोग हम लोग का भी चेयर है, तो सब मिलके दिस इज़ ए गेम, टीम वर्क, कलेक्टिव एफर्ट, हम बार बार बोलते रहते कलेक्टिव एफर्ट है, हम कलेक्टिव एफर्ट पे ध्यान देंगे। दार्जिलिंग में पहले जैसा चेंज आ गया है, देखिए पहले क्या होता था, एक डिक्टेटरशिप, 32 एक पार्टी का 32 कैंडिडेट होता था, पर अब डेमोक्रेसी आ गया है, इस डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करके हम सब एक टीम होकर कलेक्टिव एफर्ट पे हम ध्यान देंगे। और दार्जिलिंग को हम आपको आश्वासन देते, दार्जिलिंग को पहले से हम 5 ईयर्स में हम अजय सर बोले थे कि टाइम लगेगा दार्जिलिंग नगर पालिका को चेंज करने के लिए, पर हम आपको क्या वचन देते कि 5 ईयर्स में हम 20% to 50% डिफरेंस लाएंगे और दार्जिलिंग को वर्ल्ड नाइसेस्ट प्लेस बनाएंगे। Vice Chairman, 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 Vice Ch
ग्राउंड ले लेके वो मीडिया में आना नहीं चाहते बट शी इज बीन वॉकिंग विद अस सोशल में वहाँ पे गांव पे आप देख लीजिएगा उनको पॉपुलैरिटी बहुत मिलता है सो मिस यांग जी शेरपा चीज आई सी एम।